दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह से, और मैंने नाश्ता कर लिया। नाश्ता करके मैं जाने लगी हूँ खेत में, क्योंकि आज भी प्याज लगाने का काम है। तो आज से ज़्यादा बड़ा खेत नहीं है, छोटा सा ही खेत है। तो मैं पहुँच चुकी हूँ खेत में, और साची और साचा का तो काम हो गया है शुरू। पहले ये खेत खोदना है पूरा अच्छे से हम लोगों ने। देखो यहाँ यहाँ को खोदा नहीं ना, तो अजीब सारा घास भी हो रहा है। तो ये वाला चाची पूरा खोदेंगे वहाँ तक, फिर लगाएंगे हम प्याज। ऐसा बोल रहे कि रोज प्याज ही लगा रहे हैं। बोल तू क्या करूँ, फिर 3 दिन से लगातार प्याज ही लगा रहे हैं। तो प्याज हम लोगों ने थोड़ा बहुत लगा दिया है, यहाँ से यहाँ तक लगा दिया है। अब हमारा यहाँ को बचा है, यहाँ को चाचा ने लगाया था और चाची और मैंने यहाँ को लगाया था, और पानी भी लगा दिया है। तो अभी बच चुके हैं 12, और अब जाके हमारा प्याज लगाने का काम हुआ है पूरा। अभी भी बचा है थोड़ा सा, वो चाचा लगा रहे हैं। चाचा का गुड़गुड़ शुरू हो रहा है, बोल रहे कि अपना भाग रहे हो और मेरे को तुम लोग प्याज लगाने को बोल रहे हो। तो थोड़ा ही है, वो चाचा लगा रहे हैं और चाची और मैं जा रहे हैं उधर। तो वहाँ चाचा प्याज लगा रहे हैं और चाची और मैं आ गए यहाँ पे, क्योंकि चाची मेरी भारी बना देने वाले हैं, क्योंकि मेरे को लेके जाना है गजो। तो चाची ने बना दी है मेरी भारी, और अब तो गर्म भी बहुत ज़्यादा होने लग गया है। अब जाने लग गई हूँ मैं घर को। तो खेत से मैं आ गई थी घर। घर आने के बाद मैंने जो जो काम करना था वो सारा काम भी कर लिया था, और जिनका खाना भी खा लिया है। और खाना खा के अब मैं जाने लगी हूँ खेत में। फिर खेत से मैंने जाना है ऊपर वाले घर। तो देखते हैं ऊपर वाले घर बच्चा पार्टी आमा चाची लोग क्या कर रहे हैं। शायद सब लोग अपना अपना काम ही कर रहे होंगे। तो मैं पहुँच चुकी हूँ खेत में। सबसे पहले थोड़ा सा चाँद काट लेती हूँ। आमा ने मेरे को बोला है जिन जिन में बाली जैसी नहीं आ रखी वो वाला काटना, वो काटेगी तो दोबारा आता है। अगर ये बाली वाला काटते हैं तो उतना अच्छा नहीं आता है मतलब। तो देख देख के काटती हूँ एक बार। तो चाँद काटने के बाद अब मैं जाने लगी हूँ ऊपर वाले घर। तो ऊपर वाले घर में पहुँच चुकी हूँ, और आमा और चंदू अंदर बैठे हैं, और सूरज गया चाची के साथ। और चाची ये दो के लिए तिमुल तोड़ के लाए हैं, ये दाने के दो बनाएंगे। अब काटेंगे नहीं शायद, या छोटे छोटे टुकड़े बना के दो बनाएंगे, या तो कूटते हैं शायद इसको। जो ये वाला तिमुल है ना, वो दो ही दो के काम आता है। एक दूसरा वाला तिमुल होता है, उसको तो लोग खाते भी हैं, इसको लोग खाते नहीं है, सिर्फ जानवरों के काम ही आता है। जो एक ऐसा ही होता है सेम, थोड़ा सा अलग होता है खाने में, मतलब दिखने का तो सेम ही होता है लगभग, तो उस वाले को खाते हैं। और ये पकता नहीं है, ऐसा ही होता है, तो इसको जानवरों को देते हैं। तो आमा और मैं जा रहे हैं जहाँ चाची लोग गए हैं मांग में, तो वहीं जा रहे हैं आमा और मैं भी। और घर पे है चंदू, तो चंदू को अकेले ना डर लगती है अंदर। तो चंदू कह रहा है मैं तो छत में बैठूंगा या बाहर पे बैठूंगा करके, इतना डर देखा, डर के बारे अंदर भी नहीं जाएगा ये, अभी यही रहेगा जब तक हम नहीं आएंगे। तो आमा और मैं रह रहे हैं इस रास्ते, यहाँ से मांग मांग का रास्ता कहाँ है फिर हमारा। मैं बताऊंगी का, चलो फिर। आमा और मैं जा रहे थे चाची और सूरज के साथ मांग में, तो गड़बड़ी हो गया। हम लोग अभी रास्ते में पहुंचे हैं और चाची और सूरज जाने लग गए हैं घर को। तो अब हम लोग सोच रहे हैं यहाँ तक आए हैं तो मांग में भी जाते ही हैं। ये देखो सूरज की बारी देखो। छोटी सी बारी बना के लाया है, वो भी स्टाइल से पकड़ रखी है, अलग ही स्टाइल से। और चाची लकड़ियाँ लेके आ गए हैं। तो चाची और सूरज जा रहे हैं घर को, आमा और मैं जा रहे हैं नीचे को मांग में। से हमारा मांग तो ये वाला नहीं है ना, हमारा मांग क्या ना हुई। तो आमा बोले क्यों नहीं है, मेरे को तो पता भी नहीं है ना अच्छे से। तो ये देखो अब यहाँ को रोड कट रही है ना, डबल रोड कट रही है, एक रोड तो ये, एक रोड इस साइड से कटेगी। तो यहाँ पे निशान लगा रखा है, तो इतना सारा कट जाएगा हमारा मांग जो है, ये यहाँ से यहाँ तक कट जाएगा। ये है ना निशान, हमारा एक इस पेड़ पे निशान लगा रखा है, यहाँ से नीचे को कटेगा, यहाँ से इतना कटेगा हमारा, वो वहाँ से जितना भी है यहाँ तक कटेगा। वैसे हमारा रोड आने से फायदा तो है ना। आमा बोले कहाँ है फायदा, तो नुकसान ही नुकसान है बोल रहे आमा। तो देखा जाए तो फायदा भी है नुकसान भी है। फायदा इसलिए है कि डबल रोड कर रही की तो गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से आ जाएंगे, आ भी जाएंगे और चले भी जाएंगे।
और लेकिन ना गांव घर वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि ऐसे सबके मांग कटेंगे, आधे से ज़्यादा मांग कटेंगे, वो क्या घास काटेंगे उसके बाद, और लकड़ियाँ कटेंगी, पेड़ एड़ सारे कट जाएंगे। तो आमा बोल रहे हैं इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। आमा भी ठीक बोल रहे हैं, वैसे देखा जाए तो दोनों मतलब ठीक ही है। वैसे रोड कट रही है वो भी ठीक है कि गाड़ियों के लिए ठीक हो जाएगा, नुकसान ये है कि सबके मांग हंग कट रहे हैं, किसी निशान यहाँ पे लगा रखा है और यहाँ से ऊपर इतना ही रह रहा है, फिर हमारा मांग यहाँ से ऊपर ही को रह रहा है, यहाँ से नीचे को तो पूरा ही कट जा रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब समझो फिर उसके बाद घास काटने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और एक निशान यहाँ पे लगा रखा है ये इस वाले पेड़ पे, और यहाँ से नीचे को भी समझो इतना पूरा ही कट जाएगा। एक निशान वो पत्थर पे दिखाई दे रहा है, हाँ ना, वो पत्थर पे एक, हाँ वो पत्थर पे भी निशान है, यहाँ से ऊपर ही गए, यहाँ से ऊपर तो वैसे भी कुछ है ही नहीं, पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं मेरे को, तो थोड़ा सा नीचे को होता गाजे और ये तो पूरा ही कट जाएगा। और देखते हैं आगे आगे को कहाँ कहाँ है निशान। आमा तो सदमे में चले गए हैं आमा बोल रहे हैं ना पूरा मांग कट जा रहा है। हाँ फिर क्या रहेगा फिर मांग में, तो कुछ है ही नहीं। एक देखो वो वाले पत्थर पे निशान लगा रखा है, यहाँ से ऊपर को ही रहेगा, यहाँ से नीचे को पूरा कट। आमा बोल रहे हैं ना जैसे ये मांग आंग कटने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ हमारा एक पुराना वाला घर है दांफा का, तो वहाँ जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ घास वास भी अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है। तो आमा बोल रहे हैं अगर ऐसा ही होता है तो हम लोग तो पुराने वाले घर ही जाते हैं अब। और सूरज आया था चाची के साथ मांग में लकड़ी काटने के लिए, तो आमा बोल रहे हैं सूरज ने छोटा सा घर बना रखा है अपने लिए, आप लोगों को भी दिखाती हूँ सूरज का घर, कितना छोटा घर बना रखा है उसने, ये देखो कैसे बना रखा है अपना घर, खिड़की भी बना रखी है ये देखो। और अभी तो निशान नहीं दिखाई दे रहा कहीं, क्यों नहीं है वो उधर है, वो हाँ ना वो उधर है। तो आमा और मैं थोड़ा खुश हो गए थे इसे कम यहाँ को तो नहीं कटेगा करके, लेकिन आमा बोल रहे हैं वो दो पेड़ों में और लगाया निशान। तो आमा बोल रहे हैं हम लोगों ने इतनी मेहनत से पेड़ लगाए थे यहाँ, तो मांग के साथ साथ पेड़ भी जा रहे हैं हमारे, ये देखो एक इस वाले पेड़ पे निशान लगा रखा है, एक उससे बगल वाले पेड़ में। हाँ ये पेड़ कब लगाए थे? कब लगाए थे? माता नींबू एक बार नींबू। हाँ तो मांग देखने के बाद आमा और मैं जाने लग गए हैं घर को, और आमा का तो ना मूड ही ऑफ हो गया, आमा बोल रहे हैं हमारा तो आधे से ज़्यादा मांग कट गया है, तो उसके बाद हम लोगों का घास कहाँ से होगा बोल रहे हैं। वैसे आमा भी ठीक बोल रहे हैं, घास के लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना, चलो देखते हैं जो भी होगा, तो चलते हैं एक बार फटाफट से घर की ओर। तो आमा बता रहे हैं बरसात के टाइम पे ना यहाँ को बहुत ज़्यादा पानी आता था, तो यहाँ भी हम कपड़े भी धोते थे और गाय भैंसों को भी पानी पिलाते थे, क्योंकि पहले घरों में नल नहीं हुआ करता था, तो हमारे घर से नज़दीकी है ना, नज़दीक तो क्या है मतलब थोड़ा ही दूर पे है वैसे। हाँ अच्छा अच्छा। तो आमा बोल रहे चाचा जब छोटे थे तो यहाँ खेलते थे, तो तार से चिमूट हिमूट पता नहीं क्या क्या बनाते थे और देवता पूजते थे। तो आमा और मैं पहुँच चुके हैं ऊपर वाले घर, और सूरज की लकड़ियाँ ये हैं जो सूरज लेके आया था, और आमा लेके आई थी ये वाली लकड़ी, और चंदू और सूरज खेल रहे क्रिकेट, अभी बॉल खो गई इनकी, तो उड़ा दी तूने, उड़ाई बाप रे, गजब क्रिकेटर निकला फिर यार, तो बैटर निकला बिल्कुल बड़ा, देखो इन दोनों को कैसा क्रिकेट खेल रहे हैं, कौन खेलता है ऐसा क्रिकेट। तो मैं आप लोगों को बोल रही थी ना तिमूल या तो काटेंगे या तो कूटेंगे, तो चंदू और मैं जाने लग गया तिमूल कूटने के लिए। चंदू कूटेगा मैं कूटूंगी पता। तो
चंदू करने लग गया अपना काम शुरू, वो कल कूटने लग गया चंदू। ये देखो तिमुल को ऐसे कूटते हैं फिर बनाते हैं इसका दो। हमारा चंदू तो बहुत कामदार है, तिमुल से ज्यादा पत्थर पटक दे रहा है। चंदू को हो गई थकान तो आमा कूटने लग गया। अब तो तिमुल हम लोगों ने कूट लिया अच्छे से। अब आमा बोल रहे हैं इसका कुछ पता नहीं है, इतनी मेहनत तो कर दी, अब खाता है नहीं खाता है कुछ पता नहीं है। तो चाची बोल रहे हैं तिमुल कूट के भी सुखाते हैं लोग, हम तो नहीं सुखाते हैं क्योंकि गाय कम खाते हैं ना। तो अब मैं जाने लग गई हूँ नीचे वाले घर, तो फिर आमा बाय बाय।